An object is moving from point A. An object is moving from point A to point B. From point A to point B to point B at 40 meters per second, and with a an object is moving from point A to point B at 40 meter per second, beta, and from B to point A, and from point B to point A at 60 meters per second, beta. आपको करना क्या है बेटा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी वर्कआउट करनी है बेटा. फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बेटे, दोनों चीजें बेटे आपको निकालनी है, एवरेज स्पीड भी एंड एवरेज वेलोसिटी भी आपको वर्कआउट करना है. लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा. आपको कुछ इस तरीके का सेटअप दे रखा है. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए, दिस इज द स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट बी रादर, और आपका ऑब्जेक्ट बिटी ए से लेकर बी तक इस तरफ इट इज हैविंग ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, एंड बैक फ्रॉम बी to a 60 meters per second. आपको कोई भी और चीज बेटे नहीं दी हुई है, आपको एवरेज स्पीड फॉर द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी एंड देन पॉइंट बी टू पॉइंट ए, ये सारा आपको वर्कआउट करना है. इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू बेटे एक्स. ए से बी की तरफ डिस्टेंस जो है एक्स है बेटा, देन टोटल डिस्टेंस ए से लेकर बी तक एक्स, बी से लेकर ए तक वापस आने में फिर एक्स बेटा, इट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स एंड इट इज इक्वल टू टू एक्स बेटे. आई मीन टू से दैट एक्स डिस्टेंस बेटा ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए और सेम डिस्टेंस बी पॉइंट से ए पॉइंट पे वापस आने के लिए. अब देखो जब भी आप बेटे टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हो, आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि टाइम टेकन भी निकालें. टाइम हमें दिया नहीं हुआ यहाँ पे, आपको सिर्फ स्पीड ही दी हुई है ना बेटा, तो टाइम निकालने के लिए आपको डिस्टेंस कवर्ड और आपका जो स्पीड है इनको आपको लेकर कैलकुलेट करना पड़ेगा. आप जैसे जानते हैं आपका जो स्पीड है this is equal to, dear children, distance covered divided by time taken. तो बच्चों टाइम टेकन कितना फिर हो जाएगा आपका, it will be equal to distance covered divided by बेटा speed हो जाएगा. अब ध्यान दीजिएगा, a से लेकर b तक अगर आप अपने object को move करवाते हैं, मान लीजिए time लग गया बेटा t1 a से लेकर b तक जाने में, B से लेकर A तक वापस आने में टाइम को आप T2 बोल दीजिए. अब आपको ये दोनों टाइम इंटरवल्स निकालने पड़ेंगे बेटा. सो बेटे T1 जैसे आपने फॉर्मूला लिखा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस A से लेकर B तक आपका X के बराबर का है बेटा, और स्पीड आपके पास 40 मीटर्स पर सेकंड की आपको दे रखी है. T1 निकल गया बेटा. ऐसे ही T2 जो होगा
बी से लेकर ए तक डिस्टेंस अगेन एक्स है और आपका स्पीड अब 60 है बेटा, तो टोटल टाइम निकाल लीजिए। टोटल टाइम आपके पास बेटे टी वन प्लस टी टू हो जाएगा, इट विल बी एक्स अपॉन 40, एक्स अपॉन 60, इट विल बी 120, 3x प्लस 2x, 5x अपॉन 120 एंड दिस इज x बाई 24। ये आपके पास बेटे टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन निकल गया। अब आपको स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड रादर फॉर द होल जर्नी बेटा। सो एवरेज स्पीड दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम जितना आप बेटे लेते हो, ऑब्जेक्ट आपका लेता है। सो टोटल डिस्टेंस बेटे आपने ऑलरेडी 2x निकाल रखा है और टाइम आपने निकाला है x बाई 24 बेटे। थोड़ा सा टर्म्स का रीअरेंजमेंट कर लीजिए बेटा, आपको मिल जाएगा दिस इज 2x अपॉन x इनटू 24 एंड दिस इज नथिंग बट 48 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द एग्जैक्ट वे टू कैलकुलेट द सेम बेटे। अगर बेटे मैं वेलोसिटी की बात करूं तो दिया वेलोसिटी कितनी होगी? दिया वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? सर जीरो। यस वेरी गुड वेरी गुड। सो एवरेज वेलोसिटी फिर आपका बेटे सीधा ही जीरो आ जाएगा, बिकॉज आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था एंड में आपका जो ऑब्जेक्ट है वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना बेटे। सो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से आपका अपने आप एवरेज वेलोसिटी विल बी बेटे जीरो। क्लियर टू ऑल डियर चिल्ड्रन? यस बेटा। दिया चले आगे बेटा। ओके इसके बाद बेटे लेट मी कम अप विद अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मैंने कोशिश की है हर एक टाइप का एटलीस्ट वन प्रॉब्लम जरूर डिस्कस कर लें ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए बेटा किसी भी टाइप का। सो आइए कंसंट्रेट करें बेटा फर्दर मोर ऑन 80 किलोमीटर ट्रैक। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ऑन 80 किलोमीटर ट्रैक आपको दिया गया है ए ट्रेन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ए ट्रेन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। विद स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है बेटा ये, विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिपीट करूंगा, ऑन 80 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल फॉर द नेक्स्ट 40 किलोमीटर्स for the next 40 kilometers to have average speed 40 kilometer per hour for the entire trip, to have average speed 40 kilometer per hour for the entire trip.
डियर चिल्ड्रन 80 किलोमीटर का ट्रैक है, जरा ध्यान से समझिएगा प्रॉब्लम को। वो आपको असल में पूछना क्या चाह रहे हैं, ये आपका ट्रैक जो है टोटल ट्रैक का लेंथ 80 किलोमीटर का है। अब उन्होंने क्या कहा है, इस 80 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर इस स्पीड से गया है आपका ऑब्जेक्ट ट्रेन। ए पॉइंट कह दो, ये पॉइंट बी कह दो, ये सी कह दीजिए, एग्जैक्टली मिडल में, मतलब 40 इतना ए से लेकर बी तक ट्रेन ने 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड अपनी यूनिफॉर्म स्पीड रखी है। आपको बताना है कि सी से लेकर बी तक इसकी, इसको अगर मैं वी वन बोल दूं बेटा, इसको वी टू बोल देता हूं, कितनी स्पीड होगी ताकि वी एवरेज आपका 40 किलोमीटर पर आर के बराबर रहे। आपको बेटी क्वेश्चन समझ में आ गया सारे स्टूडेंट्स को बेटा, 80 किलोमीटर का बच्चों ट्रैक है टोटल लेंथ, पहले 40 किलोमीटर के लिए ट्रेन ने 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड पोजेस कर रखी है, और अगले 40 किलोमीटर के लिए उसको कितना स्पीड अप करना पड़ेगा ताकि एवरेज स्पीड 40 के बराबर रह जाए, राइट बेटे। तो इसके लिए डियर चिल्ड्रन आपने ऑलरेडी रिलेशनशिप लिखा हुआ है, वी एवरेज आपने डिराइव किया था, दिस इज बेटे S1 प्लस S2, ये आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, डिवाइडेड बाई S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2, आप अपने पेजेस चेक करके देखना आपको मिल जाएगा। S1 आपका 40, S2 भी आपका 40, V1 आपके पास है, V एवरेज आपके पास है, V2 इज रिक्वायर्ड बेटा। सो आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं, V एवरेज 40 है, S1 40, S2 भी 40, दिस इज बेटे 40 अपॉन V, V आपका 30 था ये, एंड 40 अपॉन V, दिस इज वेरी मच नीडेड बेटा। ठीक है बेटा, समझ आ गया पुत्र। अब आप थोड़ा सा टर्म्स को बेटा रीअरेंज कर लीजिए, आपका कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। सो आइए देखें बेटा, टर्म्स को थोड़ा सा रीशफल करते हैं, एंड व्हाट आई कैन डू, ये डिनोमिनेटर को मैं इधर ले जाता हूँ, ये सारा इधर ले आता हूँ, आई विल गेट 40 अपॉन 30 प्लस 40 अपॉन V, दिस इज 40 प्लस 40 80 डिवाइडेड बाई 40 आ गया बेटा, चेक करिए, ऐसा है पुत्र। इस तरफ न्यूमिनेटर से 40 मैंने बेटे कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन V, दिस इज इक्वल टू 2, चेक करो पुत्र, राइट। एंड 40 को उस तरफ ही ले जाइए, 1 बाई 30 प्लस 1 बाई V, 2 बाई 40, ये आपका 1 बाई 20 आ गया, 1 बाई V इज 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 30 आ गया, 1 बाई V ये आपका 60 बेटा, एंड 23 आर 60 एंड 32 आर 60, सो इट विल बी 1 बाई 60, V आपका 60 किलोमीटर पर आर आ जाना चाहिए। आंसर मैच कर लेते हैं, इतना है कि नहीं, यस बेटे वी आर राइट इन कैलकुलेटिंग। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, मैं एक बार क्वेश्चन आपको फिर से समझा दूं कि वो एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते थे आपसे। टोटल ट्रैक 80 किलोमीटर लॉन्ग है, 40 किलोमीटर तक उसकी स्पीड ट्रेन की इतनी है, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट 40 किलोमीटर में ट्रेन को कितना स्पीड अप करना होगा ताकि एवरेज स्पीड इतनी मेंटेन करके रखी जा सके बेटा। वैसे तो आपने इसके जैसा अभी अभी किया ही है, प्रॉब्लम इससे पहले भी ऐसा ही था। इसको बेटे एक दो बार जरूर देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप बेटा। लेट अस नाउ शिफ्ट टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कैसे कर सकते हैं और हमारा प्रॉब्लम क्या है, मैंने कोशिश की है सारे आइडियाज कवर करने की। आपको बेटे दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट बेटा
third problem is an object is moving along a circular track from A to D. सर्कुलर ट्रैक में ए से डी तक मूव कर रहा है. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है. रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज स्मॉलर एंड टाइम टेकन स्मॉल टी. आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों उत्तर निकालने हैं. आइए मैं डायग्राम जो उन्होंने दिया हुआ है डायग्राम जरा ड्रॉ कर दूं. आपको ये सर्कुलर ट्रैक बेटे दिया गया है समथिंग लाइक दिस बेटा, ऐसे. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. रेडियस बेटा सर्कुलर ट्रैक का स्मॉल आर है. ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है और आपका ऑब्जेक्ट मूव करके ये पॉइंट बेटे आपको डी दे रखा है, यहाँ पे आ गया है. और इसको आने के लिए टाइम लग गया बेटे टी सेकंड्स के बराबर, या टी कह दिया उन्होंने कलेक्टिवली, मिनट सेकंड की बात ही नहीं की है. आपको एवरेज स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है. सो बिफोर आई प्रोसीड विद दिस डिस्कशन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बेटा. और गुरसिमरन रोल नंबर 8 बेटा, गुरसिमरन बेटे रोल नंबर 8. राघव रोल नंबर 21 पुत्र. यस सर. हाँ बेटे कैसे कर सकते हैं हम, थोड़ा आइडिया बताओगे आप? नमन बेटा. यस सर. बेटे एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा? चलिए कोई बात नहीं बेटे, मैं करता हूं. आप एक बार देखो. वंश कपूर बेटा. यस सर. एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम बेटे? कोई बात नहीं, घबराना नहीं, डरना नहीं. फिर क्या हुआ, सर खड़े हैं सामने. आई विल बी सॉल्विंग इट. आप अपना बेटे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखा करो, बोल तो दिया करो. आता नहीं आता कोई बात नहीं बेटे, सर सारी चीजें. अरे इसमें तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, मतलब कि कोई वैल्यू नहीं. यस यस नाइस नाइस. इसमें तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, हम क्या करें, कैसे कर सकते हैं ना. तो कोई बात नहीं बेटे, मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ. थोड़ा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे. ये देखो ए से लेकर बी तक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपका ऑब्जेक्ट मूव करके यहां तक डी तक आ गया है. इसने सर्कमफ्रेंस का 3/4 डिस्टेंस कवर किया है ना बेटा. डिस्टेंस कवर्ड इट इज 3/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2πr. पूरा सर्कमफ्रेंस 2πr होता है ना बेटा. इसका 3/4 उसने पार्ट कवर कर लिया. तो आपके पास बच्चों देखो ये बन गया 3/2 इंटू पाई इंटू आर. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड. टाइम आपको टी ऑलरेडी दे रखा है, टाइम टी दे रखा है. एंड बेटे फिर स्पीड कितना बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इज 3/2 पाई आर इंटू टी. ये आपका बेटा स्पीड आ गया. और अगर आप निकालोगे वेलोसिटी, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना पड़ेगा ए से लेकर डी तक. दिस डिस्टेंस इज नीडेड. और ये डिस्टेंस के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे. ए डी डिस्टेंस जो है इट विल बी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, ये भी आर ये भी आर. और आपको ये
रूट टू आर मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बेटा। इज इट राइट नाउ और क्लियर बेटे? यस बेटा। डियर चिल्ड्रन दिया, अर्शप्रीत, दीक्षा, यस सर क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर हो गया बेटे? हाँ जी बेटे। वंश कपूर जी, हाँ जी बेटे समझ आ गया? चलिए बेटे देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। उसमें हमें थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बताया गया है, वो मैं आपको फिर बीच में। यस बेटा। सर अगर हमें आर की वैल्यू गिवन होती तो हमने आंसर रूट में छोड़ना था कि रूट टू की वैल्यू पुट करके पूरा निकाल। बेटे बेटे एक बार दोबारा बोलिए, आपकी आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दी। सर अगर हमें आर की वैल्यू गिवन होती तो हमें रूट टू का वैल्यू पुट करनी थी कि रूट में ही आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आपको आर गिवन है तो आप आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर टी गिवन है टी। सर रूट की वैल्यू किसकी? रूट की वैल्यू, रूट टू, रूट टू की। बिल्कुल कर सकते हो बेटे, नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर छोड़ना है छोड़ सकते हो, पुट करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। रूट टू की वैल्यू 1.414 आप लिख सकते हो। यू आर वेलकम इन दिस केस। चलें आगे अब। हाँ जी सर। नेक्स्ट बेटे मेरे पास क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स 90 मीटर एंड 120 मीटर इन लेंथ। फोर्थ क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स 90 मीटर एंड 120 मीटर इन लेंथ। एक 90 मीटर है, एक 120 मीटर है लेंथ में। आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस on a parallel track, track तो वैसे parallel ही होता है, on a parallel track with 72 किलोमीटर per hour and 36 किलोमीटर per hour, with 72 किलोमीटर per hour and 36 किलोमीटर per hour। एक ही स्पीड 72 है, दूसरी की 36 है। In what time will they cross each other? In what time beta? In what time will they cross each other? बड़ा बेटे interesting numerical है। आपको दो trains का length दे रखा। इससे पहले कि बेटे मैं एग्जैक्ट वे में इसको कैलकुलेट करूं, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द कंसेप्ट विच वी हैव फेस्ड इन दिस क्वेश्चन। आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में यहां पे, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में यहां पे इंटीमेट किया गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, आपका ऑब्जेक्ट ए है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी से वी ए, और इसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट बी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी बी। दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपको ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको वी ए बी नहीं बोलना बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज वी ए माइनस वी बी, जब सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट ए इस तरफ मूव कर रहा है और आपका ऑब्जेक्ट जो बी है ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी बी, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर आप एक की वेलोसिटी दूसरी की वेलोसिटी के साथ कंपेयर करो तो कितनी वेलोसिटी आती है। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, ध्यान, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
वेलोसिटी ऑफ ए माइनस तो हमने डालना ही था, अब बी की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन की होने की वजह से यहां पे साइन बेटा ये नेगेटिव आ जाएगा ये। सो आपका जो रिजल्ट है इट विल बी वी ए प्लस वी बी, दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, दो ट्रेन्स हैं बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं, एक ट्रेन में बैठे पैसेंजर को दूसरी ट्रेन का पैसेंजर लगेगा कि बड़ा स्लो जा रहा है, लेकिन होते दोनों ही बड़े फास्ट हैं। ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज उनमें रिलेटिव वेलोसिटी इतनी है, फर्क डिफरेंस है दोनों का। अगर एक ट्रेन इधर गई और दूसरी इस तरफ आ रही है, अपोजिट जा रही है, तो एक ट्रेन में बैठे पैसेंजर को दूसरी ट्रेन वाला पैसेंजर बहुत ज्यादा फास्ट लगेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन बेटा, राइट बेटे। सो इन दिस वे आपने याद रखना है कि जब तो सेम डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी आप जस्ट डिफरेंस ले लोगे, अगर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपको इन वेलोसिटीज को ऐड कर देना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस प्रॉब्लम बेटा। अब आइए हम सबसे पहले तो बात करें, ए ट्रेन का लेंथ आपको दे रखा है, बी ट्रेन का लेंथ आपको दे रखा है, हमें पहले देखो दिया गया है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी जो है ये बन गई बेटा 72 प्लस 36, ये बन गया 108 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू ट्रेन्स। अब बेटे देखो, ट्रेन आपका कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं है। अच्छा, एक काम और आप कर सकते हो, आप इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इट विल बी 6 आई थिंक 30 मीटर पर सेकंड आ गया ये। नाउ अगर तो ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक ट्रेन की लेंथ देखो 90 मीटर है, दूसरे की लेंथ आपको दी हुई है कहाँ गई 120 बेटे। तो इस रिलेटिव स्पीड के साथ टोटल डिस्टेंस आपका 90 प्लस 120 कवर करना है बेटा। सो टोटल डिस्टेंस की अगर बात कर लें, दिस इज 90 प्लस 120, 210 मीटर्स आपको टोटल लेंथ इस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ आपको कवर करनी पड़ेगी बेटा। तो आपको निकालना था टाइम। सो डियर चिल्ड्रन, टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 210 मीटर डिवाइडेड बाय 30 मीटर्स पर सेकंड। सो ये आ जाएगा जी 7 सेकंड्स, दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए 7 सेकंड्स का बेटे टाइम जो है ये लेंगी। सो इन दिस वे आप इस न्यूमेरिकल को समझ सकते हो बेटा। सो मिताली बेटा, मिताली यस सर, क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए बेटे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम है मेरे पास, nth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए। आइए वो टाइप भी कवर कर लें बेटा। आपको जो स्टेटमेंट पार्ट में दिया गया है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा। आपको कहा गया है एन ऑब्जेक्ट कवर्स 10 मीटर्स इन द फोर्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन। एन ऑब्जेक्ट कवर्स 10 मीटर्स इन द फोर्थ सेकंड एंड 15 मीटर्स इन द सिक्स्थ सेकंड, 15 मीटर्स इन द सिक्स्थ सेकंड। आपको करना क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द एट्थ सेकंड। एट्थ सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड आपको निकालना है बेटा। दिस इज द प्रॉब्लम, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे स्टेटमेंट पार्ट एक बार फिर से। एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है फोर्थ सेकंड में, 15 मीटर का सिक्स्थ सेकंड में, 8 सेकंड में कितना कवर करेगा, दिस इज रिक्वायर्ड। ध्यान दीजिएगा, आपका
एस एनथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन हुआ करता है. एनथ सेकेंड, दिस इज फोर्थ सेकेंड बेटा, डिस्टेंस कवर्ड 10 मीटर्स. सो आई विल राइट 10 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, आपका फोर्थ सेकेंड था ना, टू इंटू फोर माइनस वन, आप ऐसे इसको अप्लाई करोगे. इट विल बी 10 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, टू फोर जार एट माइनस वन इज सेवन. सो 10 इज इक्वल टू यू प्लस सेवन बाई टू ए, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कह देता हूं. सेकेंड इंफॉर्मेशन 15 मीटर इन द सिक्स्थ सेकेंड है, इधर करता हूं इसको मैं. एस एनथ 15 मीटर्स, यू प्लस ए बाई टू टू एन, एन आपका सिक्स्थ है, टू इंटू सिक्स माइनस वन, 15 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, टू सिक्स है 12 माइनस वन इज 11, 15 इज इक्वल टू यू प्लस 11 बाई टू ए. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू. ये दो चीजें जो मुझे दी गई थी, इनको पुट करने के बाद मैंने दो इक्वेशंस बेटा बना ली. अब मैं बेटा क्या करूंगा, टू से वन को माइनस कर दूंगा. टू में क्या है, 15 इज यू प्लस 11 बाई टू ए, और ये कितना है 10 इज यू प्लस 7 बाई टू ए. ये लीजिए माइनस किया, ये बन गया 5, यू आपका कट गया 7, 11 से निकाला 4 बाई टू ए, या 2a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 बाई टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. इतना आपको एक्सेलरेशन मिला बेटा. बेटे यहां तक क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? मिताली? यस सर. देन आपको बेटा स्मॉल यू निकालना पड़ेगा पहले, फिर आगे चलेंगे. लेट अस कंसंट्रेट. इसमें पुट कर दो, यू निकल आएगा. 10 इज इक्वल टू यू प्लस 7 बाई टू, ए आपका था 5 बाई टू, ए आपने निकाल लिया है ऑलरेडी. तो ये बन गया जी स्मॉल यू इज 10 माइनस 7 फाइव आर 35, 2 टू आर 4, यू बन गया 40 माइनस 35 बाई 4, दिस इज 5 बाई 4 मीटर पर सेकेंड. जस्टिफाइड अप टू दिस पॉइंट बेटे. नमन, नमन, रमन, अंजलि? यस सर. चलिए देन आगे बेटा. अब आपको एक सेकेंड में बेटे निकालना था. अब आप क्या करोगे, अगेन nth डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप यूज करोगे. एस एनथ यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, एस एनथ मतलब एस एट आपको निकालना है. यू आपने निकाला 5 बाई फोर, ए आपने निकाला 5 बाई टू, ये टू डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, एट सेकेंड है, टू इंटू एट माइनस वन, ये चीज आपको मिलेगी. एस एट बन गया 5 बाई फोर प्लस टू एट आर 16 माइनस वन 15, 5 इंटू 15 बाई फोर. एस एट ये बन गया 4, ये 5 है सच, दिस इज 75, 75 प्लस 5 इज 80 बाई फोर. एस एट 80 बाई 4, दिस इज बेटे 20 मीटर्स. सो दिस इज हाउ यू आर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बेटा. एंड आई होप कि आपको कोई भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं लगी होगी. बिफोर आई बेटा एंड अप ओवर हियर, अंजलि, मनजोत, गुरसिमरन, ख्याति, दिलजीत, हरनूर, राघव, प्रभदीप, दीक्षा, अर्शप्रीत, दिवनूर, ज्योतप्रीत, हरमन,
Ishnur, Naman, and Jacqueline, Ramanjeet, सारे स्टूडेंट्स बेटा, सारे बच्चों को उत्तर क्लियर है? ओके बेटा, नाइस. सो विद दिस बेटे आई एंड द पीरियड ओवर हियर. बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल फॉर यूर एग्जाम्स आफ्टर द हॉलीडेज. तो मेहनत करिए, अच्छे अच्छे नंबर लेके जाइए, एंड एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो बेटा. थैंक यू बेटे ऑल.